स्टॉप, मैं देखता हूँ कि लंबे संघर्ष के बाद हमने कैसे आज़ादी हासिल की और उसके बाद कैसे हम और भी कठिन संघर्ष में जूझ रहे हैं, कॉमा ऐसे संघर्ष में जो अपने देशवासियों के आर्थिक कल्याण और उच्च जीवन स्तर के लिए है। स्टॉप। आर्थिक कल्याण के इस लक्ष्य से हर आदमी सहमत होगा। स्टॉप। तब अन्य बातों में हमारा मतभेद क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। विभिन्न पार्टियां क्यों हैं? क्वेश्चन मार्क। विभिन्न पार्टियां होना अच्छा है, क्योंकि जब एक ही समस्या पर कई तरह से विचार किया जाता है तो उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। सब लोगों के एक ही ढंग से विचार करने की बात पर मेरा विश्वास नहीं है। स्टॉप। मैं चाहता हूँ कि विचारों की आज़ादी हो और उनका खुलकर आदान प्रदान हो। स्टॉप। कभी कभी इससे हमें सच्चाई का पता चलता है। स्टॉप। पैरा चेंज। फिर भी कॉमा किस रास्ते पर चला जाए कॉमा इस मुद्दे को लेकर अक्सर आपस में मतभेद और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। स्टॉप। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ कॉमा इसी बात पर जोर देता हूँ जो बिल्कुल साफ है और जिससे हर एक को सहमत होना चाहिए। स्टॉप। मैं भारत की एकता पर जोर देता हूँ कॉमा केवल राजनीतिक एकता पर नहीं कॉमा वह तो हमने हासिल कर ली है कॉमा उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यानी भावात्मक एकता हमारे विचारों और दिलों का मिलन कॉमा अपने भीतर से अलगाववादी भावनाओं को खत्म करना। स्टॉप। जहां सब लोग भारत की एकता के बारे में सहमत हैं कॉमा वहीं बहुत से लोग और कुछ पार्टियां भी ऐसे काम करती हैं कॉमा जिनके परिणाम से भारत की एकता टूट सकती है। स्टॉप। वे ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता। स्टॉप। जब हम भारत के लोग एक ओर अपनी संस्कृति कॉमा समान उद्देश्य कॉमा मैत्री कॉमा प्यार आदि के बंधनों से बंधे हैं कॉमा दूसरी ओर दुर्भाग्यवश भारत में अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं जो कोई नई समस्या खड़े होते ही अपना सिर उठा लेती हैं। स्टॉप। हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं। स्टॉप। हर हालत में हमें इस बात पर करनी चाहिए लेकिन इतनी उत्तेजना और गुस्सा क्यों? क्वेश्चन मार्क। आखिर इस अलगाववाद का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क। अपने साथियों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है कॉमा बल्कि नफरत है। स्टॉप। जो लोग या राष्ट्र एक दूसरे को पसंद करते हैं कॉमा उनके आपस में नज़दीक आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे ऐसे लोगों के नज़दीक आने पर सख्त नफरत है जो दूसरों को नापसंद करते हैं। स्टॉप। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नज़दीक आना बुरी बात है। स्टॉप। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम इन सैनिक गठबंधनों के खिलाफ हैं। स्टॉप। पैरा चेंज। महोदय कॉमा हमें ऐसी विघटनकारी प्रवृत्तियों से होशियार रहना चाहिए जो मौका पाते ही देश में सिर उठाने लगती हैं। स्टॉप। इन विघटनकारी प्रवृत्तियों में कुछ ऐसी हैं जो सांप्रदायिकता की श्रेणी में आती हैं अर्थात किसी धर्म की आड़ में खेली जाने वाली राजनीति जिसमें एक धार्मिक वर्ग को दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जाता है। स्टॉप। फिर प्रांतवाद या राज्यवाद की प्रवृत्ति है। स्टॉप। हमारे देश में सबसे घातक और खतरनाक प्रवृत्ति शायद जातिवाद की है। स्टॉप। जब जातिवाद प्रथा शुरू हुई थी तो बहुत अच्छी रही होगी कॉमा लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसने हमें राष्ट्रीय और सामाजिक स्तर पर कमज़ोर कर दिया है। स्टॉप। इसने हमें छोटे छोटे गुटों में बांट दिया है। स्टॉप।
इससे लोगों में वर्ग बन गए हैं। स्टॉप। कुछ लोग अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं तो कुछ मध्यम जाति का और कुछ निम्न जाति का, कुछ की तो कोई जाति ही नहीं है। स्टॉप। इस तरह यह असमानता शुरू हुई। स्टॉप। जिसमें एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। स्टॉप। मेरे विचार से भारत की कमजोरी और पतन का यही मुख्य कारण रहा है। स्टॉप। इतिहास के ये सारे सबक हमारे सामने हैं। स्टॉप। हमने देखा है कि बहुत सी अच्छाइयों और योग्यताओं के बावजूद भी हम राष्ट्रों की दौड़ में बार बार पिछड़े हैं और हमारे बीच एकता की इस कमी के कारण ही भारत का पूरा समाज ऐसी जातियों और वर्गों में बंट गया है जो एक साथ नहीं चल पाते। स्टॉप। इसीलिए मैं हर जगह भारत की एकता पर और सांप्रदायिकता कौमा प्रांतीयता कौमा अलगाववाद कौमा राज्यवाद और जातिवाद से लड़ने की ज़रूरत पर जोर देता हूँ। स्टॉप। पैरा चेंज। जहाँ तक मैं समझता हूँ और आशा है आप भी वैसा समझते हैं कौमा, भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व और पश्चिम में कोई बंटवारा नहीं है। स्टॉप। केवल एक भारत है जिसके हम सब कौमा आप और मैं कौमा उत्तराधिकारी हैं। स्टॉप। यह हम सब का है। स्टॉप। भारत का यह दक्षिणी भाग या वह त्रावणकोर कोचीन राज्य आपकी मिल्कियत नहीं है। स्टॉप। इस पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना आपका। स्टॉप। इसी तरह हिमालय के उत्तरी राज्य हमारी मिल्कियत नहीं है। स्टॉप। उन पर आपका भी अधिकार है। स्टॉप। वे आपके भी उतने ही हैं जितने कि अन्य किसी भारतवासी के। स्टॉप। इसीलिए कौमा उत्तर से दक्षिण तक पूरा भारत प्रत्येक भारतवासी की साझी विरासत है। स्टॉप। भारत का अब तक का हजारों वर्ष का इतिहास और उसकी समूची संस्कृति, चाहे वह उत्तर की हो या दक्षिण की अथवा किसी और स्थान की कौमा, हमारी साझी विरासत है। स्टॉप। यही नहीं कौमा, हमारे सामने फैला विराट भविष्य भी हमारी साझी विरासत बनेगा। स्टॉप। इस बहस के दौरान जो मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और आलोचना की गई है तथा सुझाव दिए गए हैं कौमा, उनके बारे में निसंदेह मेरे साथी माननीय रक्षा मंत्री महोदय जवाब देंगे। स्टॉप। मैंने केवल रक्षा व्यवस्था के कुछ मुख्य और बुनियादी सिद्धांतों और खासकर हमारे सामने आने वाली समस्याओं की ओर सदन का ध्यान खींचने के लिए बहस में हस्तक्षेप किया है। स्टॉप।